कनाडा ने हरियाणा में प्रस्तावित बागवानी विश्वविद्यालय में सहयोग की इच्छा दिखाई है। बुधवार को चंडीगढ़ में कनाडा के एक 4 सदस्यीय मंडल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। मंडल ने हरियाणा के साथ कौशल विकास, उच्चतर शिक्षा, कृषि, सिंचाई, लघु और मध्यम उद्योग तथा सौर ऊर्जा के क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने की पेशकश की है। बातचीत के दौरान उच्चायुक्त ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा दौरे के बाद कनाडा सरकार ने भारत में कई क्षेत्रों में व्यापार एवं आपसी सहयोग बढ़ाने तथा द्विपक्षीय समझौते करने की पहल की है। गौरतलब है कि कनाडा के सबसे बड़े राज्य प्रीमियर ऑफ ओंटारियो प्रमुख श्रीमती कैथलीन 100 सदस्यीय एक उच्च स्तरीय मंडल के साथ 2 से 3 फरवरी 2016 तक भारत के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान यह मंडल हरियाणा राज्य का दौरा करेंगे और इस दौरान हरियाणा कनाडा के आपसी सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं के समझौतों को अंतिम रूप दिया जाएगा। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।